और क्योंकि सर मैं प्रेम सर के साथ ही रंगमंच करता था और मुझे एक सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हम एक हॉरर फिल्म में काम कर सकते हैं साथ में, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक बहुत अच्छा मुकाम रहता, मेरे लिए आगे की एक सीढ़ी बनती, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ सीखने का नया एक अनुभव मिलेगा और इसलिए हमने साथ में काम किया। ये भी जैसे उनका लाइफ में एक मेंटोर मिलना बहुत जरूरी होता है किसी फील्ड में, प्रेम सर के बारे में किस तरह से आपको मेंटोर किया, किस तरह से गाइड किया फिल्म के शूट के दौरान? जैसे कि मैंने इनके साथ थिएटर किया था, तो थिएटर के जो डायरेक्टर होते हैं वो जनरली एक गुरु होते हैं, गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप शूट करते हैं शूटिंग के दौरान भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डायरेक्टर के साथ काम करें और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर जो आपके गुरु रह चुके हैं, आपको जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलने वाला है, मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा अनुभव था। साइलेंट डे थे जो कि पॉलिटिकल है पूरी तरह से, उसमें हमारी संजय मिश्रा से और मैंने पाठक जैसे क्या कहना चाहेंगे, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता आपको मिली है, क्या कैसा महसूस करते हैं? माय नेम इज हितेश, पोस्ट प्रोडक्शन हेड फ्रॉम फिनिक्स स्टूडियो। 2001 का जिस टाइम पे आया था सर लेके आए थे प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा था और शूट ही इतना अच्छा गया था सर कि हमको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा अभी फाइनल। अच्छा है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ अपनी थ्रू आउट माई लाइफ, और एक आर्टिस्ट की इच्छा यही होती है कि वो जितने ज़्यादा कैरेक्टर में वो खुद को जितना ज़्यादा चैलेंजिंग रोल दे सके वो उतना परफेक्ट होता अपनी करियर में, और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चैलेंजिंग रोल मिले और मैं फील करते हैं हमारे समझते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, उससे ज़्यादा ये सफल किया, ये एक हॉरर फिल्म है इसमें अगर उस बारे में कुछ बताया। हाँ वो होता है, नेचुरल भी बोलता है, तो असल में वो जो है लौटा जो है नहीं है, असल में वो बंदा जो है वो भूत है, उसका शक्ल पकड़ के उसमें रहता है, तो आगे जो भी होगा मतलब वो सस्पेंस अभी तो पूरा नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन ये ट्विस्ट है हमारा। तो और ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए फिल्म, क्या यूएसपी, मतलब क्या सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है? यूएसपी ये है कि ऑडियंस को इसलिए देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ी मैंने सर से पूछा और अगर किरदार की बात करें और फिल्म की बात करें, हॉरर फिल्म है, तो कि आप शूटिंग के दौरान कितने डरे, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ? रही बात डर की, तो ये फिल्म की शूटिंग हुई है थोड़ी शहर से काफ़ी दूर हुई है, अभी मैं कंफ्यूज होता था सीन को लेकर, तो वैसे आपका और पहला जो डेब्यू फिल्म मिला उसके बारे में बताया कि वो सफर कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा आपका अभी तक का? एक्टिंग की शुरुआत हुई थी मेरे मणिपुर फिल्म में, मणि तो नाग में मणि होता ही नहीं है, और इसको खूब बेचा जाता है, बेचा जा रहा है, सदियों से लोग इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे सिनेमा इंडस्ट्री हो, चाहे थिएटर के लोग, चाहे हमारे पुराने जो कथाकहानियों में भी लोगों ने इसको बेचा है, तो बस ये हमारा काम है लोगों को इंटरटेन करना, हम लोगों को इंटरटेन जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो लोगों को इंटरटेन करते हैं और हमें इंटरटेन करने के लिए जी, तो इंटरटेन है इधर, हॉरर भी यानी डर भी लगेगा, तो डर में रोमांस प्यार भी होगा कहीं कहीं, तो इसमें प्यार रोमांस और गीत संगीत को कितना स्थान मिला है? तो आपने तो सुना ही है कि बिन भय हो तो न प्रीति, बिना भय के प्रीत कैसे होगा, और जब चूंकि जब नायक है तो एक पर्दे पर लगने जा रही है, थिएटर में लगने जा रही है, अगर डायरेक्टर कितनी खुशी हो रही है? नहीं खुशी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, और बनाने की यहाँ पे बात है तो किसी भी फिल्म को बनाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा काम ही यही है। सर बॉलीवुड का जो रुख बदल रहा है, अब जो है कंटेंट बेस्ड फिल्में दर्शक बदल रहे हैं, पहले मारधार या हीरो हीरो पे पूरी फिल्म होती थी, लेकिन अब जो दिशा और दशा बॉलीवुड की कंटेंट बेस्ड फिल्में आ रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए 1980 के दशक में जो सिनेमा बनता था उसमें क्या होता था कि दो भाई होते थे, बिछड़ जाते थे, फिल्म के मिलने में फिल्म मिल जाते थे, और लगभग सभी फिल्मों का ये एक रहता था,
सिनेमा उस समय ड्रामेटिक था, अभी सिनेमा पर थिएटर का बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी थोड़ा सिनेमा रियलिस्टिक कर रहा है, डराना है, मज़ा देता है। इसके अलावा बहुत सारी हॉरर फिल्में आई है जिसके अंदर बोल्ड कंटेंट भी देखने मिलते हैं, जैसे महेश भट्ट साहब की आपने याद याद, तो ये फिल्म में क्या अलग होने वाला है? नहीं, हमारे फिल्म में बोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी ना रिव्यूज है, कोई फिजिकल रिव्यूज नहीं है, कोई बोल्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है।